नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। करीब 15 साल का इंतजार और भारत ने रच दिया है एक और शानदार इतिहास। पीएम मोदी के हाथों मिली दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसका इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे, वो अब खत्म हो गया है। दुनिया के तमाम शानदार एक्सप्रेसवे को टक्कर देने वाला ये रोड अब बनकर तैयार हो गया है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे साल 2009 में ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से इसका निर्माण टल गया। पीएम मोदी ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। आइए आपको इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी खास बातें बताते हैं। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक तरह से दिल्ली की नई रिंग रोड होगी। 83 किलोमीटर लंबा पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के 5 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल से होकर गुजरेगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 8 राज्यों के कुल मिलाकर 50,000 भारी वाहन गुजरेंगे। इससे दिल्ली में आने वाले 30-35% वाहनों में कमी आएगी। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे में पार्किंग, पेट्रोल पंप, हेलीपैड, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, होटल जैसी सुविधाएं होंगी। इस एक्सप्रेसवे पर 8 छोटे, 6 बड़े पुल, 4 रेलवे ओवरब्रिज, 34 अंडरपास और 64 पैदल पार पुल होंगे। इस एक्सप्रेसवे को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जगह जगह फव्वारे और करीब 7 मूर्तियां लगेंगी। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद दूसरे राज्यों से आने वाली भारी वाहनों को दिल्ली में घुसने की जरूरत नहीं होगी। ये रोड बाईपास की तरह काम करेगा। इससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में भी कमी आएगी।